दिल्ली में गुरुवार को जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में किन बातों पर चर्चा हुई, इसे लेकर पार्टी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। वहीं बैठक में शामिल होने के बाद जब जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया और सवालों की बौछारें कर दी। ललन सिंह ने कहा कि बैठक में क्या हुआ इसके बारे में कल बताऊंगा। वहीं अपने पद से इस्तीफा देने की खबरों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा के इशारे पर मीडिया द्वारा एक विमर्श खड़ा किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि यह बैठक नियमित है और उनकी पार्टी एकजुट है। थोड़े तल्ख लहजे में जेडीयू अध्यक्ष ने कहा है कि अगर मुझे इस्तीफा देना है तो मैं आपको बुलाऊंगा और आपसे परामर्श करूंगा कि त्यागपत्र में क्या लिखना है ताकि आप भाजपा कार्यालय जा सकें और मसौदा प्राप्त कर सकें। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिएगा। इसलिए कि कोई मीडिया अब इस देश में हम आप लोगों को दोष नहीं दे रहे हैं, आपको दोष हम नहीं दे रहे हैं, आप मजबूर हैं। आपके मैनेजमेंट जो है, आपका जो पूरा मैनेजमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करती है उस नैरेटिव पर आप लोग, आपका मैनेजमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आपको फॉलो करना है, मजबूरी है, तो इसलिए हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है और नियमित बैठक में होती है, उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो नैरेटिव जो सेट करना हो आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए और उनको कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से बात करके जो नैरेटिव सेट करना हो करते रहें। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत ली, हम इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। इससे पहले जेडीयू में सांगठनिक बदलाव को लेकर जारी अटकलों के बीच सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में भाग लेने के लिए एक साथ जंतर मंतर पर स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। नीतीश कुमार के आवास पर बैठक के बाद दोनों नेताओं ने एक साथ आने का फैसला किया। इसका उद्देश्य पार्टी में एकजुटता का संदेश देना प्रतीत होता है। वहीं दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने पटना में अपनी पार्टी में उथल पुथल की अटकलों को खारिज करते हुए कहा था, दिल्ली में जेडीयू का दो दिवसीय सम्मेलन एक सामान्य और वार्षिक आयोजन है जिसमें कुछ भी असाधारण नहीं। गौरतलब है कि पिछले दिनों मीडिया में अटकलें लगाई गई कि ललन सिंह को सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल से कथित निकटता के कारण अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।